हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी इसके बारे में, यानी कि आपकी फिजिकल की जो डेट है वो फाइनल कर दी गई है, यानी 25 फरवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के। बाद में ड्राइवर के होंगे, बाद में एडब्ल्यू और टीपीओ के होने वाले हैं। और 27 जनवरी को ये फाइनल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा एसएससी की साइट पर, यानी 27 तारीख को आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इस दिन फिजिकल होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको फिजिकल के डिटेल और पूरी डॉक्यूमेंट डिटेल और फाइनल कट ऑफ के लिए क्या मेंटेन करेगा इसमें, तो इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करूंगा स्टेप टू स्टेप। वीडियो को पूरा वॉच करना ध्यान से। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो तो कहीं ना कहीं 70% आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांस बढ़ते हैं। साथ में ही फिजिकल के साथ टाइपिंग टेस्ट की भी आप तैयारी करते हैं, अन्यथा आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर टाइपिंग टेस्ट की बाद में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही कम चांस बनते हैं, क्योंकि टाइपिंग की स्पीड मेंटेन करेगी इसमें, यानी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी होगी, तो इसमें आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे यानी फिजिकल में क्या होने वाला है, और पूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और फाइनल कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए फ्रेंड्स, जिस स्टूडेंट ने अभी तक फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, जो भी स्टूडेंट है या कोई गर्ल्स है उसने अभी तक फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया, तो फिजिकल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बाद में आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके पास टाइम ही कम रहेगा फिजिकल को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा फिजिकल में क्या होने वाला है, और आपके यानी फिजिकल 25 फरवरी आपकी फाइनल डेट है। ऑथेंटिक सटीक जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये जानकारी आपको 27 जनवरी को एसएससी की ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगी, और साथ ही डॉक्यूमेंट की चर्चा करेंगे। और फाइनल कट ऑफ के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट मेंटेन करेगी, जो ये अभी कट ऑफ आई है ये 20 गुणा पोस्ट, यानी आपकी यानी मेल की पोस्ट है 503, अब सर्विस मैन की है पोस्ट यानी कि 56 पोस्ट, और फीमेल की पोस्ट है जी आपकी 276, ये पोस्ट है। इसके 20 गुना अराउंड में ये स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया है, और इस अराउंड में ये कट ऑफ रही है। ये कट ऑफ कोई मेंटेन नहीं करेगी, ये कट ऑफ सिर्फ ओनली फॉर आप फिजिकल और यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी टाइपिंग टेस्ट अच्छा है तो यानी आप अच्छा परफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं यानी फिजिकल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेल फिजिकल में क्या होने वाला है लड़कों के लिए, तो हाइट 1.65 सेंटीमीटर होना जरूरी है। भैया 1.65 सेंटीमीटर हाइट है तो वो क्वालिफाई है, इससे कम है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और साथ में चेस्ट है, चेस्ट के बारे में बात करें तो 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फुलाना है। वेट का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, वेट होना जरूरी नहीं है। एज को रिलेशन मानते हुए यानी एज के अनुसार आपका फिजिकल होने वाला है, यानी कि रनिंग होने वाली है सेम ही सभी के लिए, 1600 मीटर रनिंग होने वाली है। इसमें एज क्राइटेरिया के हिसाब से फिजिकल होगा, जिसकी एज 30 वर्ष से कम है। और पहले आपको डिक्लेयर कर देता हूँ, फिजिकल के टाइम आपकी डेट 30 से कम है वो चलेगी, यानी फॉर्म भरते समय आपकी डेट 30 से कम है वो कभी मेंटेन नहीं करेगी। अगर आप फिजिकल है उस टाइम आपकी यानी कि उम्र यानी 30 से कम है तो आपको 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, और 12.5 फिट लंबी कूद और 3.5 फिट ऊंची कूद, और इसमें 3-3 चानस दिया जाएगा। 3 चानस में इसको क्वालिफाई करना है। एक फर्स्ट चानस में क्वालिफाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रिपरेशन है लॉन्ग जंप और हाई जंप की। अगर 3 चानस में करते हो तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें ये इश्यू नहीं है कि भाई 1 चानस में करो 3 चानस दिया जाएगा, लेकिन दौड़ करना अनिवार्य है। पहले दौड़ होगी और बाद में ये होंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप। ऐसे 30 से 40 वर्ष उम्र है जिनकी, उनके लिए 8 मिनट का टाइम दे रखा है 1600 मीटर में 11.5 फिट लंबी कूद और 3 फिट ऊंची कूद है यानी हाई जंप है, और 40 वर्ष है उनके लिए 9 मिनट 10.5 फिट लंबी कूद और 3 फिट ऊंची कूद, इसी में 3 चांस रहने वाला है। ये लड़कों के लिए फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा।
और फीमेल के लिए फिजिकल के बारे में बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और SC ST से तो 5% छूट में भी, इसमें हाइट में भी छूट दे रखी है। SC ST कैटेगरी से जो महिला है उसको 5 सेंटीमीटर हाइट में छूट है, और रनिंग होने वाली है यानी 800 मीटर रनिंग होने वाली है। इसमें आपको यानी कि 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा महिलाओं को, और लॉन्ग जंप होने वाला है 3 फीट, और हाई जंप होने हो लॉन्ग जंप होने वाला है 9 फीट, और हाई जंप होने वाला है 3 फीट। इसमें भी तीन तीन चांस दिया जाएगा, तीन चांस में इसको क्वालिफाई करना है लॉन्ग जंप और हाई जंप को, और 800 मीटर रनिंग होने वाली है। और 30 से जिनकी उम्र 40 वर्ष है उनके लिए 6 मिनट का टाइम है, और 8 फीट लंबी कूद और 2.5 फीट ऊंची कूद होने वाली है, और 40 वर्ष है जिसकी 7 मिनट दौड़ में टाइम दिया जाएगा, और यानी कि बात करें तो लॉन्ग जंप 7 फीट और यानी सुआ 2 फीट यानी हाई जंप। ये तो होने वाला है फिजिकल का क्राइटेरिया, और साथ ही साथ में आप अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुबह शाम फिजिकल कर रहे हैं और टाइपिंग टेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो 70% चांस बनते हैं कि आप यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए, लेकिन पहले सबसे पहले सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एग्जाम होगा, सेकंड स्टेप फिजिकल क्वालिफाई करना ही होगा। और साथ में डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एडिशनल डिग्री है वो साथ में लेके जाना है, और जो जाति प्रमाण पत्र EWS सर्टिफिकेट, ये बहुत ही मेंटेन मायने रखती है, क्योंकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको यानी कि जिस कैटेगरी है उसमें आपको छूट मिलेगी। नहीं, अगर आपकी उम्र कम है तो आपको जनरल कैटेगरी में कर दिया जाएगा, यानी आपका इस वैकेंसी से पहले का बना होना चाहिए, लेकिन उसका 6 मंथ हो गए तो उसके बाद में बना होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, और साथ में 10वीं बारी ये मार्कशीट होना चाहिए, कोई एडिशनल डिग्री है वो भी साथ में लगा रहे हो तो अच्छी बात है, मार्क्स मिलने वाले हैं, जाति, मूल निवास और आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अब बात करेंगे यानी फाइनल कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ है 20 गुना स्टूडेंट के अराउंड में ये कट ऑफ डिसाइड की गई है, इसका कुछ ही बटने वाला नहीं है। जितनी अच्छी आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उतने ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, यानी जो 25 यानी 30 वर्ड पर मिनट से आपकी इंग्लिश में टाइपिंग है ये इस स्पीड में है तो आप इसे तो क्वालिफाई होने वाले हो, यानी इससे कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए एक्यूरेसी और स्पीड के साथ इंग्लिश में और हिंदी में 25 वर्ड, ये स्पीड होना जरूरी है। और इससे अच्छी टाइपिंग करते हो अगर आपकी टाइपिंग 45-46 से ऊपर है स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है तो इसमें आप 25 मार्क्स लेके आ सकते हो, और ये कट ऑफ है इसमें 25 मार्क्स ऐड करते हो तो आपके फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। और जो आपका यानी फिजिकल होने के बाद यानी कि कम से कम 15 या 20 दिन के बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जो दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट के द्वारा होगा, तो और डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता दिया, और फाइनल कट ऑफ यानी कि ये टाइपिंग टेस्ट है ये ही मेंटेन करेगा, इसमें जिसकी अच्छी स्पीड है उन्हीं का सिलेक्शन होगा। फिजिकल पास करना जरूरी है, जिनकी टाइपिंग टेस्ट अच्छी है उसी का ही होगा, ये जो कट ऑफ है इसमें कितने भी अच्छे मार्क्स हो उससे कोई नहीं है, जिसकी अच्छी टाइपिंग होगी वो उसी बार इस फाइनल कट ऑफ में जिसके मार्क्स अच्छे हैं उनको कवर कर लेगा, जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। फिजिकल के बारे में बता ही दिया, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा वॉच करना तब आपके समझ में आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।